न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप पसंद करते आए हैं। ओमिक्रॉन का डर जो है वो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। कारण साफ है कि ओमिक्रॉन के मामले भी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे हैं। भारत में भी ये मामले काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों के मन में जो डर है, जो शंका है, वो सबसे ज़्यादा इसी बात की है कि आखिर भारत में तीसरी लहर कब आएगी और आएगी तो कितनी बड़ी होगी। तो इसका जवाब अलग अलग तरीकों से आ रहा है। अब जो जवाब आया है वो अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार आया है। उसमें ऑफिशियल सोर्सेज से जो खबर आई है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जनवरी फरवरी में ये जो लहर है वो तेज हो सकती है, यानी कि तीसरी लहर भारत में ओमिक्रॉन की वजह से जनवरी फरवरी में आ सकती है। ये अपने पीक पर हो सकती है। ऑफिशियल सोर्सेज से जो खबर दी गई है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा संक्रामक है, तेजी से फैलता है, इसलिए जनवरी फरवरी में तीसरी लहर की जो बात हो रही है वो सही साबित हो सकती है। यानी कि ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर जनवरी फरवरी में आ सकती है। इससे पहले IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं मणिंदर अग्रवाल ने, उन्होंने अपने मेडिकल मॉडल के हिसाब से बताया था कि दिसंबर लास्ट से, जनवरी फर्स्ट वीक से ये तीसरी लहर शुरू हो सकती है और जनवरी लास्ट से और फरवरी के फर्स्ट वीक में जाकर ये अपने पीक पर हो सकती है। मणिंदर अग्रवाल की ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उन्होंने जो पहली लहर और दूसरी लहर को लेकर जो प्रेडिक्शंस की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई थी। दरअसल मणिंदर अग्रवाल की बात में वजन इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक मैथमेटिकल मॉडल, एक गणितीय सूत्रों के आधार पर फॉर्मूला निकालते हैं और उससे प्रेडिक्शन करते हैं। अब जो दूसरे सोर्सेज से खबर आई है उसमें भी साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि जनवरी फरवरी वो महीने हो सकते हैं जिसमें देश में तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से आ सकती है। इसके साथ साथ अभी ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो देश में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में अब तक 61 ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से मामले हैं। महाराष्ट्र से 28 मामले ओमिक्रॉन के रिपोर्ट किए गए हैं, राजस्थान से 17, दिल्ली से 6 और गुजरात से 4 मामले अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। देश में थर्ड वेव को लेकर जो आशंका जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि जनवरी फरवरी वो महीने हो सकते हैं जब नंबर ऑफ केसेस तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन माइल्ड होगा, यानी कि गंभीर परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, हल्का होगा। लेकिन इसके दूसरी तरफ जाकर देखें तो WHO ने साफ किया है कि ऐसा बिल्कुल ना समझें कि इसके इन्फेक्शन माइल्ड होंगे, यानी कि इसके सिम्टम्स माइल्ड दिखेंगे, ये पूरी तरह से गंभीर परिणाम वाले हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात है कि हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि ओमिक्रॉन से आखिर बचा कैसे जाए, तो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस का साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन ही अकेला रास्ता है जिससे ओमिक्रॉन को हराया जा सकता है या फिर कोरोना के किसी भी वेरिएंट को रोका या थामा जा सकता है। तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू करवा दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज जरूर लें।